इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 13 सितंबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 2008 में अति सुरक्षित मानी जाने वाली देश की राजधानी दिल्ली में 30 मिनट के अंतराल पर 4 बम विस्फोट किए गए थे, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई थी और 90 से अधिक घायल हुए थे। कई स्थानों से समय रहते बम बरामद करके जानमाल के नुकसान को बढ़ने से रोका गया था। देश दुनिया के इतिहास में 13 सितंबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन वर्ष 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल कालीकट पहुंचा और भारत में पहली यूरोपीय पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री रेटा शाह का जन्म आज ही के दिन 1912 में हुआ था। आज ही के दिन 1922 में लीबिया के अल अजीजिया में 58 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। इसे उस समय तक का धरती का सबसे अधिक तापमान करार दिया गया। 1923 में आज ही के दिन स्पेन में सैन्य तख्ता पलट के बाद मिगेल डे प्रिमो रिबेरा ने सत्ता संभाली और सरकार की स्थापना की थी। भारत की महिला क्रांतिकारी नगेंद्र बाला का जन्म आज ही के दिन 1926 में हुआ था। आज ही के दिन 1929 में जतींद्रनाथ दास ने अपनी भूख हड़ताल के 63वें दिन लाहौर सेंट्रल जेल में दम तोड़ा था। प्रसिद्ध कवि एवं निबंधकार भगवत रावत का जन्म आज ही के दिन 1939 में हुआ था। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर रामास्वामी परमेश्वरन का जन्म आज ही के दिन 1946 में हुआ था। आज ही के दिन 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 लाख हिंदुओं और मुसलमानों को पारस्परिक स्थानांतरण का सुझाव दिया था। 1948 में आज ही के दिन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना को हैदराबाद में घुसकर कार्रवाई करने और उसे भारतीय संघ के साथ एकीकृत करने का आदेश दिया था। भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री महिमा चौधरी का जन्म आज ही के दिन 1973 में हुआ था। हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार और शायर अनजान का निधन आज ही के दिन 1997 में हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 2000 में भारत के विश्वनाथन आनंद ने शेन्यान में पहला फिडे शतरंज विश्व कप जीता था। 2001 में आज ही के दिन ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला था। आज ही के दिन 2002 में इसराइल ने फलिस्तीन अधिकृत गाजा पट्टी पर हमला किया था। 2006 में आज ही के दिन भारत ब्राजील साउथ अफ्रीका त्रिगुटीय संगठन का पहला शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में शुरू हुआ था। आज ही के दिन 2007 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति से 3 गुना बड़े ग्रह का पता लगाया था। 2008 में आज ही के दिन दिल्ली में 30 मिनट के अंतराल पर 3 स्थानों पर 4 बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई और 90 से अधिक घायल हुए थे। आज ही के दिन 2009 में चंद्रमा पर बर्फ खोजने का इसरो नासा का अभियान असफल हुआ था। भारत के 21वें मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा का निधन आज ही के दिन 2012 में हुआ था। आज ही के दिन 2013 में तालिबानी आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के हेरात शहर में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।